हेलो स्टूडेंट्स, असी कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर साडा थर्ड है। सो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन साडा थर्ड का सेकंड पार्ट। सो जिस दे विच असी समीकरणां दे जोड़े बनाने हैं, पहला असी इक्वेशंस बनानियां हैं अपनी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस बनावांगे। उस तो बाद असी उस नु सब्स्टिट्यूशन मेथड जां प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। सो क्वेश्चन है साडे कोल कि दो संपूरक कोणां विच वड्डा कोण छोटे कोण तो 18 डिग्री वध है, इन्हां नूं पता करो। सो ग्रेटर एंगल इज 18 डिग्री मोर दैन द स्मॉलर वन इन सप्लीमेंटरी एंगल्स, फाइंड द एंगल्स। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स फाइंड करनी है असी। सो इस दे विच सब तो पहला साडे कोल कंसेप्ट की आ रहा है, संपूरक कोण जां फिर सप्लीमेंटरी एंगल्स। सो की हुंदे हन संपूरक कोण जां सप्लीमेंटरी एंगल्स? सो सप्लीमेंटरी एंगल्स जां संपूरक कोण जिन्हां दो कोणा दा जोड़ 180 डिग्री होवे। सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री। सो जो दो कोणा दा जोड़ 180 डिग्री हुंदा है तो उसनों असी सप्लीमेंटरी एंगल्स जिहड़ा कि बोलते हाँ। सो इत्थे ना तो साडे को एंगल दिते गए हैं, सो इसलिए सब तो पहला असी अपने एंगल्स लवांगे। वो किस तरह लवांगे? असी इक्वेशन्स बनानियां ना असी, तो असी वेरिएबल्स लवांगे दो, ठीक है। सो सोल्यूशन रहेगा साडा मान लो दो कोण एक्स अते वाई हन। सो एक दो एक्स अते वाई हन। सो लेट बी दी टू एंगल्स एक्स एंड वाई। सो जिन्हां दे विच साडे कोल वाई इज ग्रेटर दैन एक्स, सो जिहड़ा वाई कोण है वो एक्स दे नालों वड्डा है। ये कंसैप्ट असीं अपने फर्स्ट पार्ट विच भी वेख्या है। सो जदों वाई एक्स दे नालों वड्डा है तां इत्थे लिखा है कि ग्रेटर एंगल इज 18 डिग्री मोर दैन द स्मॉलर वन। सो जिहड़ा साडे कोल वड्डा कोण है वह छोटे कोण के नालों 18 डिग्री ज़्यादा है। सो देखो वाई वड्डा कोण है, पहली गल तो दोवें कोण असीं बराबर कर लए। हुण जिहड़ा वड्डा कोण है वह छोटे नालों किन्ना ज़्यादा है? 18 डिग्री ज़्यादा है। मतलब कि छोटे दे विच 18 डिग्री असीं ऐड कर दईए प्लस कर दईए तो वड्डे एंगल की जिहड़ी साडे कोल वैल्यू आ जाती है। सो इत्थे देखो साडे कोल आ गया 18 डिग्री असीं ऐड करता। सो वाई इज ग्रेटर एंगल विच इज 18 डिग्री मोर दैन द समॉलर एंगल। सो जिहड़ा 18 डिग्री ज़्यादा है छोटे एंगल के नालों। सो इतने साडी कोई इक्वेशन बन जाएगी जो साडी कोल रहेगी वाई इज इक्वल टू एक्स सॉरी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 18 डिग्री। सो ये आ गई साडी कोई इक्वेशन। सो इस तो बाद देखो कि सप्लीमेंटरी एंगल जिहड़े हुंदे हन उन्हां दोवां एंगल दा सम किन्ना हुंदा है साडे कोल 180 डिग्री। सो इक्वेशन आ गई टू साडे कोल। सो इतने साडे कोल सब्स्टिट्यूशन मैथड लगना सी। सो उसके लिए इतों असी फिर एक वैल्यू जिहड़ी अपनी फाइंड करांगे, जां असी एक्स फाइंड करांगे जां असी वाई फाइंड करांगे किसी भी इक्वेशन दे विचों असी कर लैंदे हां। सो इतें देखो साडे कोल सेम इसनों तुसीं वन हटा दो तां तुसीं जेकर इस इक्वेशन नूं ही वन रख लैंदे आ, ठीक है, क्योंकि असीं इत्थों ही वैल्यू फाइंड करनी है वाई एक्स की। सो इतने वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 18 गिवन ही है साडे कोल। सो इतने साडे कोल आ गया इक्वेशन वन पुट इन टू। सो फस्ट नूं असीं टू च पुट करांगे किस तरह? जिथे वाई है उत्थे साडे कोल एक्स प्लस 18 आ जाएगा। सो आ गया एक्स प्लस 18, सो फिर प्लस एक्स है, सो इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स एक्स किन्ना हो गया साडे कोल 2x। सो ये आ गया साडे कोल प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इस तो बाद साडे कोल आ गया 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। सो एंगल असीं एक साइड ते लै गए कॉन्सटेंट टर्म्स। सो इत्थे आ गया साडे कोल 2x इज इक्वल टू 180 चों 18 माइनस कीता तां साडे कोल आ गया 162 डिग्री। सो एक्स आ गया साडे कोल 162 डिग्री ओवर 2 डिवाइड हो गया साडे कोल। सो 2 वन द 2 2 एट द 16 2 वन द 2 81। सो एक्स आ गया साडे कोल 81 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू आ गई साडे कोल 81। सो एक्स इज इक्वल टू 81 पुट इन किसी भी क्वेश्चन पुट कर लैंदे सी फर्स्ट विच ही पुट कर लैंदे हां। सो फर्स्ट पुट करते हैं तो साडे कोल क्या वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स कितना आ गया साडे कोल 81 प्लस करता असी नाल 18 डिग्री है पिया हुआ, ठीक है।
तो दो में प्लस हो साढ़े को कि आ गया 819 डिग्री। सो ये दो में साढ़े को एंगल्स आ गए। हुण देखो जेकर सप्लीमेंटरी एंगल का सम 180 डिग्री हुंदा है तां साढ़े को इन्हां दोवां का सम कि आना चाहिए 180 डिग्री। सो चैक करते हैं असी एक्स प्लस वाई साढ़े को आ जाएगा 81 प्लस कर दें 99 डिग्री। सो जो प्लस किया 9101 कैरी 9 17 प्लस 180 डिग्री। सो 180 डिग्री आ जाता है ना। सो इस तरह तुसी चेक जरूर कर लेना है जो भी अपने वेरीएबल या एक्स से वाई जो भी वैल्यूज कही हुई उन्होंने वैल्यू फाइंड कर लोगे। सो यहाँ एक्स 3.3 का क्वेश्चन थर्ड का सैकेंड पार्ट। सो उम्मीद करता है क्वेश्चन जो क्लीयर हो गया होगा। अगर थोड़ा कोई इस फिर भी कोई दिक्कत रहती है या प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दस सकते हो, नहीं तो इसनों बाकी बच्चों तक भी शेयर करना है। सो चैनल सबसक्राइब कर लो तो नवी नवी वीडियो के लिए प्राप्त होंगे रहने। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।